हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा सिलेबस काफ़ी हद तक कवर हो चुका है। मैं सिलेबस का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं। इंडियन ज्योग्राफी 6 लेक्चर्स में श्रद्धा मैम ने कवर कर दी है। ये JNK ज्योग्राफी का आखिरी लेक्चर है। JNK ज्योग्राफी में टोटल 5 लेक्चर मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट में। इंडियन हिस्ट्री अभी चल रही है, ये श्रद्धा मैम ने शुरू की है, और JNK हिस्ट्री भी चल रही है, ये अभिषेक सर करवा रहे हैं आपको। स्पोर्ट्स पे मैंने 2 वीडियोस अपलोड कर दी हैं एंड 2 वीडियोस और बाकी हैं जो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। कैपिटल स्टेट्स वाला पार्ट श्रद्धा मैम कवर करवा चुके हैं, वो साथ ही साथ कवर करवा रहे थे इंडियन ज्योग्राफी के। तो आप लगा लीजिए हम 60% प्लस सिलेबस कवर कर चुके हैं। थोड़ा सा सिलेबस जो बच गया है वो भी हम जल्दी कवर कर देंगे। अगर मैं बात करूँ टोटल सिलेबस के बारे में, मैथ्स रीजनिंग के बारे में, तो हमारे चैनल पर 80% सिलेबस कम्प्लीट हो चुका है सबका। और हम रेगुलर बेसिस पे जो भी वीडियो डालते हैं शाम को 7 बजे उसका टेलीग्राम पे क्विज भी लेते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे जाके क्लिक करिए एंड ज्वाइन करिए उसको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो यूट्यूब पे नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसके साथ एक बेल आइकन का बटन बना होता है, आपने उस पर क्लिक करना है एंड 3 ऑप्शन आएंगे आपके पास, ऑल, पर्सनलाइज एंड नन। आपने ऑल पे क्लिक करना है ताकि जो लेक्चर हम डालें आपको वो लेक्चर उसी टाइम पे मिल सके, ताकि शाम को 7 बजे आप उसका क्विज दे पाएं। इस तरीके से क्या होगा, आपकी रिवीजन होती रहेगी, आपको याद करने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम अपनी तरफ से 100% एफर्ट डाल रहे हैं, हम आपको वीडियोस दे रहे हैं, पूरा कंटेंट दे रहे हैं, PDF दे रहे हैं, हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम क्विज भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप हमारी वीडियो देखें, उसको याद करें और क्विज दे के एनालिसिस देख पाएं। आपको कोई भी पैसे खर्चने की जरूरत ना पड़े कहीं से भी। और इन रिटर्न आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो शेड्यूल हम जैसे डिज़ाइन करते हैं आपने उसको वैसे फॉलो करना है। उसके लिए आपको टेलीग्राम एंड यहाँ का बेल आइकन का बटन प्रेस करके रखना है हमेशा। आगे चलते हैं। ओके, तो आप जैसा जानते हैं कि हर वीडियो में मेरी एक आदत है कि आपसे क्वेश्चन पूछना वीडियो की स्टार्टिंग में। इस वीडियो में मैंने टोटल 4 क्वेश्चन पूछे हैं, जिसमें से एक का ही आंसर आपको सिर्फ नीचे कमेंट बॉक्स में करना है, बाकी 3 का आंसर मैं वीडियो के एंड में आपको खुद ही बता दूंगा। ये जो क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप जानते हैं मैंने रिवर सिस्टम के ऊपर JNK ज्योग्राफी में एक लेक्चर दिया था, वहां से ही ये क्वेश्चन मैंने उठाया है। क्वेश्चन है, विच रिवर इज पॉपुलरली नोन एज द वेथ इन लोकल लैंग्वेज। इस रिवर का नाम वेथ रिवर है, ये आपने नीचे मुझे कमेंट में करके बताना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर रन अक्रॉस द लद्दाख एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज अ ब्रांच ऑफ सुरू रिवर। अब ये जो क्वेश्चंस मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में नहीं करना है, इसका आंसर्स मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, स्वालकोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन। एंड थर्ड एंड लास्ट MCQ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, Who among the following was elected as the President of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir after the Pro Tem Chairman? Okay, तो काफ़ी बातें हो गई, अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये है JNK ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर, 5th लेक्चर। इसमें हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक एंड मिनरल्स के ऊपर, प्लस हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। ये पूरा लेक्चर देखना आप ध्यान से, इसके ऊपर जो भी MCQs बनेंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लिग्नाइट एक ऐसा कोल है जिसका हीट कंटेंट लो रहता है, इसको हम ब्राउन कोल भी बोलते हैं। लिग्नाइट JNK की ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज ये कश्मीर में अबंडेंस में पाया जाता है। टोटल डिपॉजिट लिग्नाइट का 5,60,00,000 टन एस्टिमेटेड है, और ये पाया जाता है बारामूला में, हंडवारा में, तनमर्ग में, बडगाम में। अब बात करते हैं लाइमस्टोन के बारे में। तो लाइमस्टोन हमारे पास काम आता है बिल्डिंग मटेरियल के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। आप में से बहुत लोग जो साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो जानते होंगे लाइमस्टोन का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3। लाइमस्टोन तीनों रीजन में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख में, लेकिन जो कश्मीर का लाइमस्टोन है वो पर्टिकुलरली हाई क्वालिटी का लाइमस्टोन माना जाता है। ये पाया जाता है अनंतनाग और सोनमर्ग में। नेक्स्ट अब हम इस सीरीज में बात करेंगे ओर्स के बारे में। और आगे हमारे पास कॉपर ओर और आयरन ओर। अगर मैं बात करूं कॉपर ओर और आयरन ओर के बारे में, तो जो कॉपर ओर है हमारे पास वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है आयरन ओर से। सबसे पहले बात करते हैं कॉपर ओर की लोकेशन के बारे में। तो कॉपर ओर कश्मीर के शुब्रा एरिया जो अनंतनाग में है, हंडवारा,
सुंबल और कंगन वैली जो है यहाँ पे पाया जाता है। और अगर हम बात करें आयरन ओर के बारे में तो ये पाया जाता है शात्रा में, उरी में, सुपोर में। अब हम बात करेंगे जिप्सम के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। जिप्सम के बारे में बात करें तो जिप्सम के टोटल रिजर्व हमारी यूनियन टेरिटरी में 4 मिलियन है। अगर मैं इजी भाषा में बताऊं तो जिप्सम हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर जो चौक होते हैं जो क्लास में यूज़ होते हैं उसको बनाने के लिए काम आता है। और कश्मीर प्रोविंस में ये बारामूला, अनंतनाग और उरी में पाया जाता है। बात करते हैं हम ग्रेफाइट के बारे में, तो जो हमारी पेंसिल होती है उसके आगे जो लेड बनी होती है वो ग्रेफाइट से बनी होती है। अगर मैं इसकी लोकेशन के बारे में बात करूं तो बेराईपुरा, उरी और मालोगाम ये कुछ जगहें हैं कश्मीर की जहां पे ये पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर। सल्फर के बारे में अगर बात करूं तो सल्फर के 200,000 टन डिपॉजिट्स हमारे यूनियन टेरिटरी में पाए जाते हैं। ये बेसिकली पाया जाता है पग्गा विलेज जो लद्दाख में है वहाँ पर, और साथ ही साथ अनंतनाग और खेरवा में भी पाया जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मार्बल्स के बारे में। मार्बल्स के बारे में भी जैसा आप लोग जानते हैं कि मार्बल्स हम एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग्स में इसका काफ़ी यूज होता है। प्लस अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन के बारे में तो ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, वहाँ इसके काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। इसकी कलर की बात करूँ तो ये लाइट ब्राउनिश कलर में होता है। तो अभी तक इस वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स के अंदर टोटल 8 सब टॉपिक डिस्कस किए हैं। अब हम थोड़ा हैंडीक्राफ्ट्स पे भी नज़र मारते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स में शुरुआत करें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कारपेट्स, जो कि कश्मीर में सेंट्रल एशिया से आए थे। इनको बनाया जाता है वूल से, और ये वूल मिलती है हमें पश्मीना गोट से प्लस मेरिनो शीप से। एंड जो कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है उसको इम्पोर्ट किया जाता है अमृतसर से। तो ऑल इन ऑल कश्मीर एक हब है कारपेट्स का। अगली चीज़ जो हम इस सीरीज में पढ़ेंगे वो है नामदास। तो ये बेसिकली एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है, आप वुलन ब्लैंकेट्स पे इनको देखेंगे। इनकी जो बेसिक इंडस्ट्री है, जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो अनंतनाग, रैनावारी और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में होती है, और देखने में काफ़ी सुंदर होती है, कलरफुल होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कांगड़ी के बारे में। कांगड़ी के बारे में मोस्टली आप लोग जानते ही हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्री का पार्ट है। इसके अंदर कोयला डाला जाता है जिससे हीट जनरेट होती है, और ये यूजुअली लोग कैरी करते हुए चलते हैं। जब भी इंटेंस सर्दी पड़ती है तो यही एक रास्ता होता है बॉडी को गर्म करने के लिए। और इसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो यूजुअली पाई जाती हैं कश्मीर में वूला लेक के आसपास। अगर मैं बात करूँ इसके रेट की तो नॉर्मली ये 200 से 300 के बीच में इसका रेट पड़ता है, एक नॉर्मल कांगड़ी का रेट है। नेक्स्ट है हमारे पास पश्मीना शॉल्स। हैंडीक्राफ्ट में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की चर्चा है कश्मीर में तो वो पश्मीना शॉल्स की होती है। इनिशियली जो पश्मीना शॉल्स की वूल थी वो तिब्बत के थ्रू आती थी, लेकिन चाइना के इन्वेजन के बाद ये जो रॉ मटेरियल होता है पश्मीना शॉल्स का, ये सिर्फ लद्दाख से ही आ पाता है, और इस वजह से इसकी जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई हैं पर्सनली। लेकिन अगर मैं बात करूँ पश्मीना शॉल्स के बारे में तो मैंने बहुत ही क्लोजली इसको देखा है। ये जो एक शॉल होता है इस पर बनने के लिए जो कारीगर की मेहनत लगती है वो बहुत ज़्यादा होती है, 5-5 साल बंदा लगा रहता है एक ही शॉल पे। तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा आंखें लगती हैं इसमें, बहुत ही क्लोज, बहुत ही बारीक एम्ब्रॉयडरी होती है इसकी, इसलिए इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। मोर ओवर जो पश्मीना शॉल होता है उस पर कीड़ा बहुत जल्दी लगता है, इसलिए इसकी देख रेख भी बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ कहते हैं जो रिंग में से ये पूरा का पूरा शॉल पास हो जाता है, इतना ही स्मूथ होता है, इतना ही अच्छा होता है शॉल। आगे बढ़ते हैं, अब लास्ट है हमारे पास सिल्वर वेयर। ये भी कश्मीर की एक स्पेशलिटी है, इसमें स्किल सेट बहुत चाहिए होता है। आपने अपने घरों में देखा होगा टी सेट्स, टम्बलर बॉक्सेस, ट्रेज, सोप केसेस एंड टॉयलेट केसेस, ये जो सिल्वर के बने हुए होते हैं। हालांकि इनके रेट ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन कश्मीर लगभग 1,00,000 तोला सिल्वर परचेज करता है हर साल। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे थे, पहले उनका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर रन अक्रॉस द लद्दाख एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इज अ ब्रांच ऑफ द सुरू रिवर, एंड इसका आंसर है द्रास रिवर। और जो सेकेंड क्वेश्चन था, सवालकोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन, एंड इसका आंसर है चिनाब। और थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर द प्रोटेम चेयरमैन, एंड इसका आंसर है गुलाम मोहम्मद सादिक।
आई होप आपको जो लेक्चर्स मिल रहे हैं आप उनके नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपरली एमसीक्यूज को लिख रहे हैं. थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल.